जसप्रीत हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से गोशा महल से जुड़ रही हैं। एक सीट जो बीजेपी ने 2018 में जीती थी, तो वहीं अंबर पेट से जो है अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर जी किशन रेड्डी बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है, बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं तेलंगाना में। सबसे पहले जसप्रीत मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी, 7 बजने को हैं अभी फिलहाल, क्या कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, क्या वोटर्स मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? मोनिका मैं आपको बताऊं, मैं गोशा महल सीट में मौजूद हूं, एकमात्र ऐसी सीट जो कि बीजेपी ने पिछले चुनावों में जीती थी। टी राजा यहां से तीसरी बार चुनावी मैदान में है, उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो ये कह रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपने बात की बूथ की, देखिए वोटिंग शुरू होने में 2 मिनट है, यहाँ पर जो पहले वोटर हैं वो अंदर पहुँच गए हैं और जैसे ही वो वोट देकर के बाहर आएंगे वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि यहाँ पर लोग देरी से उठते हैं, जो लोग बता रहे हैं ऐसे में सुबह उनकी देरी से होती है, इसलिए सिर्फ 2 वोटर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इंतजाम मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पैसों की यहां पर पैसों को देना, पैसों को बांटना ये गलत है, इसके अलावा आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं। तो पूरे ये बोर्ड यहां पर इस तरीके से बड़े बड़े पोस्टर्स यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा जिस तैयारियां यहां पर ताकि वोटर्स ज्यादा से ज्यादा यहां पर पहुंचे, अरुण का मैं रुख करना चाहूंगी। अरुण फिलहाल आपके वहां पर क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि अंबरपेट भी अपने आप में एक हॉट सीट बनी हुई है। देखिए अंबरपेट पे अब से थोड़ी देर बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के जो तेलंगाना के अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी, वो अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आने वाले हैं। तो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, जो बूथ है उसके अंदर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, 1-2 मतदाता भी खड़े हैं। हालांकि वोटिंग अभी शुरू नहीं हुई है और वो मतदान करने के लिए यहाँ पर सुबह सुबह आ गए हैं, खड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार जो वोट पहले, उसके पहले मैं आपको दिखा दूं, जी किशन रेड्डी चूंकि जेड सिक्योरिटी प्राप्त हैं तो उनके आने से पहले ये जो सिक्योरिटी अमला है उनका, वो देख रहा है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी के अध्यक्ष हैं, तो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के जो लोग तैनात हैं वो यहाँ पर जाँच कर रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर। अब से थोड़ी देर बाद वो पहुँचने वाले हैं, लेकिन फिलहाल एक इस बीच आपको बता दें तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान शुरू हो गया, यानी कि वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो 119 सीटों पर मतदान तेलंगाना के लिए, आज तेलंगाना की किस्मत का फैसला होगा। बीआरएस जो हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहा है, कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल भी है अपने वजूद तलाशने की कोशिश कर रहा है, बीजेपी भी यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ रही है, एमआईएम भी अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बड़ी खबर आपको बता दें कि 7 बज चुके हैं, तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है, 2290 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज तेलंगाना की जनता करेगी। तो आपको बता दें कि वोटिंग शुरू हो गई है, शाम 6 बजे तक तेलंगाना की 119 सीटों पर मतदान होगा। तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं, तमाम पार्टियां अपने अपने दावे अपने अपने वादे करती हुई नजर आ रही है, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण काम वोटर्स का है। और हैदराबाद से हमारे साथ संजय तिवारी जुड़ रहे हैं। संजय, हैदराबाद एक ऐसी सीट जिनकी एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी कहीं ना कहीं अपनी साख जो है हैदराबाद से बचाने की कोशिश करते हैं, तेलंगाना विधानसभा चुनाव में उनके साथ विधायक भी हैं, लेकिन इस बार 9 उम्मीदवारों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन हैदराबाद पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो सबकी नजर बनी हुई है, वोटिंग शुरू हो गई है क्या? बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो गई है, 7 बज गए हैं और इस समय मैं जो जिस फैज हाई स्कूल के सामने खड़ा हूं, असदुद्दीन ओवैसी यहां पर ही कुछ देर में वोट करने के लिए आने वाले हैं। इस पूरे त्रिकोणीय मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, 9 सीटों पर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। 7 विधायक पहले उनके यहाँ पर हैदराबाद में हैं और इस बार 9 सीटों पर उनका दावा है कि पूरी 9 की 9 सीटें वो जीतने वाली। हालांकि जो 7 सीटें हैं वो उनके लिए काफ़ी इस बार बहुत आसान नहीं है, खास करके यहाँ एक नामपल्ली विधानसभा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ बहुत कड़ा मुकाबला कांग्रेस दे रही है। तो ओवैसी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि वो अपनी पूरी 7 सीटें अगर इंटैक्ट रख पाए तो बहुत ज़रूरी है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, ये देखिए पूरी यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, सुबह 5:30 बजे से मॉक ड्रिल चालू हुई, जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको बताया गया कि वीवीपैट और जो ईवीएम है वो पूरी तरह से सही है और वो कैसे वर्क करेगा, और उसके बाद से अब 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो गई और असदुद्दीन ओवैसी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, वो जाहिर तौर पे हमसे बातचीत करेंगे। मतदाता जो है वो आना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी जसप्रीत,
गोशा महल से हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है जसप्रीत, वहां पर वोटिंग शुरू हो गई है। बिल्कुल, वोटिंग शुरू हो चुकी है मोनिका, और पहले वोटर भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप स्याही दिखा दीजिए, आपने वोट दे दिया। तो देखिए, जागरूक मतदाता है, सबसे पहले पहुंचे हैं, क्या क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके दिमाग में जिसको लेकर के आपने वोट दिया? चुनावी मुद्दे तो कई प्रकार के हैं मैडम। एक्चुअली क्या है, अब वोट तो जानने का है मुझे। हाँ। किसी की कौन से भी क्या दिमाग में चल रहा था वोट देने से? दिमाग में चल रहा था यही कि कोई अच्छा बंदा है। अच्छा। और अपने हैदराबाद को ठीक है एकदम। चाय वाय पी या पहले आप वोटिंग के बाद चाय पियेंगे? नहीं नहीं मैडम, मुझे रात भर नींद नहीं आई। जागरूक वोटर यहाँ पर कहीं ना कहीं जसप्रीत नजर आ रहा है, और सुबह देखे 7:03 हो चुके हैं, मतदाता जो अपने घरों से बाहर निकले। अरुण, आपके वहां पर क्या तस्वीर है, वोटर्स आ चुके हैं? लेकिन निश्चित रूप से वोटर्स आ चुके हैं। शहरी इलाके में थोड़ा देर से वोटर निकलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वोटर यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था कि केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को आना है, इसलिए यहाँ पर जो सुरक्षा अमला है वो पूरी तरह से यहाँ पर चाक चौबंद है, और सिक्योरिटी ड्रिल जो होती है एक वीवीआईपी के आने की वो पूरी की जा रही है। लेकिन वोटर्स की अगर बात करूँ मैं, आपको देखिए वहाँ पर दो वोटर हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो वोट दे के बाहर आएंगे, निश्चित रूप से उनका क्या एक्सपीरियंस है, पहली बार के वोटर भी हैं गए, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जिस तरह की भीड़ आपको राजस्थान में देखने को मिल रही थी, छत्तीसगढ़ में मिल रही थी, मध्य प्रदेश में मिल रही थी, वो भीड़ यहाँ अभी तक नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में आने वाली। अगर आपको दिखाएं तस्वीरें यहाँ पर, तो ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, लोग अपने घरों से निकल तो रहे हैं और यहाँ आ भी रहे हैं, लेकिन उस तरह की कतारें जिस तरह की आप राजस्थान में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा, उस तरह की कतारें अभी नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ पर मतदाता आएंगे, और अभी जो जब मतदाता वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से हैदराबाद चली जाती हूँ। संजय हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से पहुंचे हुए। संजय, हम देख पा रहे थे 7 नहीं थे, उससे पहले ही लंबी लंबी कतारें वहां पर लग गई थी, अभी फिलहाल क्या तस्वीर? देखिए, वोटर्स आना शुरू हो गए, और ये एक वोटर है अभी जो यहाँ पर इसके अंदर आए, और वो अंदर से लौट कर, क्या हुआ सब, वो वोट कर बोले, पहले तो कोई चीज़ अलाउ नहीं है बोलकर बोले, ठीक है अलाउ नहीं है फोन वगैरह, मगर वो कुछ भी आईडी कार्ड लेकर आओ बोलकर बोल रहे अभी, तो अब आईडी कार्ड के लिए फिर घर को जाना पड़ेगा। तो पहले वोटर्स जो यहाँ पर आए वो इसके अंदर बूथ के अंदर घुसे, लेकिन उनको थोड़ा सा निराशा हाथ लगी क्योंकि वो आईडी कार्ड लेके नहीं आए थे। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि आईडी कार्ड कुछ ना कुछ लेके आना है, आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस, उसके अलावा पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या कोई भी ऐसी चीज जिससे ये प्रूव हो, चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि जो वोटर्स हैं तमाम तैयारियों के साथ आए। जसप्रीत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां पर इस तरीके की कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में हम देख पा रहे हैं कुछ वोटर्स अपने आईडी कार्ड लेकर नहीं आए हैं, वहां पर तैयारियां फिलहाल आपको सक्षम नजर आ रही हैं? बिल्कुल मोनिका, तैयारियां यहाँ पर पूरी है, जो वोटर हैं वो तो खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का वोटर हैं, जैसे कि अरुण जिक्र कर रहे थे, जो भीड़ हमने छत्तीसगढ़ में देखी थी, जो भीड़ हमने राजस्थान में देखी थी, वैसी भीड़ नहीं है यहाँ पर, देरी से सुबह होती है। आपने वोट दे दिया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? क्या ही दिखा दीजिए अपनी, तो ये देखिए जागरूक वोटर है, क्या दिमाग में चल रहा था? मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा मैडम, मैं तो वोट डाला, और मेरा बोलने का मकसद क्या है, वो तो तेलंगाना स्टेट में कौमी सरकार बने, उससे मतलब नहीं है मेरे को, ठीक है, मगर तेलंगाना स्टेट में सरकार बनेगी, पहले सुबह पहले वाइन शॉप पूरे बंद होना चाहिए, वाइन शॉप बंद होने पूरे बंद होना चाहिए, ठीक है। वो इससे बंद होंगे तो कई घर सुधर जाएंगे, कई गरीब बच्चे पेट भर के खाना खाएंगे, उसमें गरीब लोग क्या है, वो तो मजदूर आदमी कमाता 1500 रुपए महीने को, 500-600 की शराब पी लेता, 800 की शराब पी लेता, लिया था घर में 300 रुपए। बिल्कुल, तो बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर मतदाता आ रहा है। अरुण, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कई मायनों में अगर हम बात करें, तेलंगाना विधानसभा चुनाव अपने आप में खास है, खास तौर पर जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुकाबले को अब त्रिकोणिया बना दिया है। केसीआर की अगुवाई वाली बीआरएस लगातार कह रही है कि वो तीसरी हैट्रिक जरूर लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यहाँ पर टफ फाइट देती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एग्रेसिवली बीजेपी की तरफ से यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार किया गया, फिर वो चाहे बड़े चेहरे हो चाहे छोटे चेहरे हो, जिस तरीके से कमान संभाली गई, एक त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बड़े नेताओं की रैलियां कराई, प्रधानमंत्री की भी रैली कराई, तो त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश है। सबसे बड़ी चुनौती केसीआर के सामने है, क्योंकि जब से ये राज्य बना, अस्तित्व में आया, तब से मुख्यमंत्री वही हैं, तब से टीआरएस और अब बीआरएस ही जीत रही है, तो अब उनके सामने चुनौती है कि क्या अपना किला तीसरी बार वो बचा पाएंगे। पिछली बार उन्होंने अर्ली इलेक्शन करा लिया था,
वो जीत गए थे और उन्होंने मार्जिन भी बढ़ाया था, 63 सीट से 88 सीट चले गए थे 119 सीटों में, तो बहुत ह्यूज मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता था। इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से फाइट दी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रेवंत रेड्डी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन सब ने मिलकर के केसीआर को घेरने की कोशिश की, बीजेपी भी घेर रही है, तो सत्ता उनके हाथ से क्या इस बार छिन जाएगी, निकल जाएगी, या फिर वोटर उन पर ट्रस्ट देते हैं, या फिर कांग्रेस बीजेपी में से किसी को चुनते हैं, यह बड़ा सवाल है। लेकिन जी किशन रेड्डी जिनको यहां पर आना, देखिए जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहले पहुंच गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या फिर जो वोटर हैं वो लोग आ रहे हैं, और अब जी किशन रेड्डी के आने का वक्त हो गया है और यहां पर कतार भी लगी है, आप अगर देखेंगे तो बाहर लाइन लगनी यहां पर शुरू हो गई है। और हम आपका रुख करेंगे अरुण, लेकिन संजय से भी हम थोड़ी तस्वीरें जो है उनसे भी साझा कर लेते हैं। संजय, आपके वहां पर फिलहाल क्या नजर आ रहा है, कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं है वोटर्स के मन में? देखिए कंफ्यूजन तो थोड़ा बहुत जो है बना हुआ है, वो उनको यहाँ पे दरवाजे पर समझाया जा रहा है। और सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि महिला वोटर भी घर से बाहर निकलना शुरू हो गई है वोट डालने के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ इस पोलिंग बूथ पे ये तस्वीर देखिए, और कुछ महिला वोटर आई हुई है, आप वोट डालने के लिए आई हुई है, क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? वो वोटर आईडी मांग रहे और आधार कार्ड मांग रहे, कल हम लोग आके पूछे तो कुछ लाने की जरूरत नहीं है बोले, मगर अब आने के बाद अंदर जाने नहीं दे रहे। नहीं, बट आपकी आइडेंटिटी वो पहचानना चाहते, फोन में है, फोन में है। अच्छा, अच्छा फोन की आइडेंटिटी को नहीं मान रहे वो फिजिकल। ये यहाँ पर मतदान केंद्रों पे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, जो सॉफ्ट कॉपी है उसको नहीं मान रहे हैं, उनका कहना है कि आधार कार्ड या कुछ भी ऐसी आइडेंटिटी जो प्रूफ कर सके वो लेके आ रहा है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जो है लगातार हम News18 India पर दिखाते रहेंगे, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है 119 सीटों पर। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई, शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। देखिए अपने आप में कई मायनों में तेलंगाना विधानसभा चुनाव इस बार अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर भी कहीं ना कहीं साफ करेगा कि दक्षिण के राज्य तेलंगाना में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस कहां पर खड़ी।